विंडो 7 में वीएस कोड इंस्टॉल हो जाता है या नहीं हो जाता। अच्छा, ये तो आप करके देख लें ना, आपके पास विंडो 7 है तो आप करके देख लें, पता चल जाएगा आपको। वैसे हो जाना चाहिए असूलन। विंडोज 7 पे ना कुछ नए सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको ना बोलता है कि डॉट नेट का फ्रेमवर्क आप अपडेट कर लें, ठीक है? तो वो बस आपको करना होता है, दैट्स इट। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है अगर विंडो 7 पे आप हैं तो। सर मैंने करके देखा, बहुत ट्राई किया कल रात में मगर नहीं हुआ। तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें अभी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है विंडोज 7 में वीएस कोड इंस्टॉल करने में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, देख लेता हूँ अस्सलाम मैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे भी विंडो 7 है, मेरे पास भी नहीं चल रहा। हाँ ज़रा स्क्रीन शेयर करो अपनी, करके दिखाओ इंस्टॉल क्या इशू आ रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ लेकिन मैंने तक। अभी डिलीट करा है, स्ट्रोल पे लगा था मैंने। अच्छा मुझे जहाँ तक पता है ना कि विंडो 7 में कोई कोई ऐसा मसला नहीं है, उसमें जस्ट वो डॉट नेट का फ्रेमवर्क उसमें पुराना डाला हुआ होता है, तो वो अपडेट करना होता है आपने, दैट्स इट। वो खुद ही पूछ लेता है आपसे कि अपडेट, तो अपडेट दबा के आप छोड़ दें, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 घंटे में अपडेट हो जाता है वो। जी वासे, अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे आप अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर स्क्रीन तो नहीं शेयर हो पाएगी क्योंकि मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट हूँ और लाइट भी नहीं है। तो मैं जो हूँ ना, वो कल मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन विंडोज 7 में वो नहीं आ रहा। ग्रुप में भी अपडेट में दे रहा था तो वो नहीं हो पा रहा। शायद मुझे, मैंने ओल्ड वर्जन भी ट्राई किया लेकिन ओल्ड वर्जन भी जो है ना वो उठा ही नहीं रहे उसको। हाँ जब मैं ऐसा वो कोड डालता हूँ उसमें रन करता हूँ तो वो आते नहीं। बाकी सारे कमांडे उठा रहा है लेकिन वीओएस कोड में आएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ कि हमेशा ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर चीज़ का ना लेटेस्ट वर्जन हो आपके पास, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। आप वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, राइट? सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन हो, यानी कि विंडोज़ 10 अभी जो स्टेबल है, 11 तो अभी बीटा में चल रहा है, उसको फ़िलहाल इंस्टॉल मत कीजिएगा क्योंकि वो तंग करेगी आपको। 10 जो है वो अभी इस वक्त जो है वो क्या है, स्टेबल वर्जन है। तो विंडोज़ 10 अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा वीएस कोड जैसे है उसका भी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके पास। जो भी हम सॉफ्टवेयर अपने पास इस्तेमाल कर रहे होंगे डेवलपमेंट के दौरान, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके पास उसका लेटेस्ट वर्जन हो, ठीक है? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो अगर एक आम बंदा है ना वो पुराना वर्जन यूज़ करे, दैट इज़ ओके, दैट्स फाइन, लेकिन हमें चाहिए कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। अच्छा जी, अच्छा किसी और का कोई प्रॉब्लम ऐसा, जो लास्ट की क्लास में मैंने थोड़े से स्टेप्स करके दिखाए थे, कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसमें कहीं पे स्टक हो गया हो? एक तो ये है कि भाई वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हुआ, वो तो अभी, बाय द वे वो प्रॉब्लम भी अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, ताकि मैं गाइड कर दूँ कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मे बी अगर मैं गाइड कर पाऊँ। सर वो भी डाउनलोड पे लगाया हुआ है, डाउनलोड हो जाए फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या डाउनलोड पे लगाया हुआ है? वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो विजुअल स्टूडियो नहीं करना, विजुअल स्टूडियो कोड। जी भाई, वही लगाया हुआ है, दोबारा हाँ से लगाया डिलीट करके ना, अच्छा, वो स्टॉल पे आता है, स्टॉल होके फिर वो वर्क नहीं करता। मैं अभी वो हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। सही। अच्छा वैसे भी ना आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, एक मिनट, इंस्टॉल वीएस कोड इन Win 7, ये तो लोगों ने YouTube पे वीडियोस बना बना के डाली हुई हैं, हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड ऑन विंडोज 7, ये तो लोगों ने बना के डाली हुई है वीडियोस ना। चलें, आप जब हो जाए ना आपका, नेक्स्ट क्लास में होपफुली आप मुझे वो शेयर कर दीजिएगा, अभी तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को गिट समझ में नहीं आया हो, किसी को गिट की CLI इंस्टॉल ना हो पाई हो, कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी इशू आ रहा हो, क्योंकि लिंक मेरे पास ना उतने नहीं आए हैं जितने लोग इस क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में अभी 20 लोग मौजूद हैं, तो 20 लिंक्स मेरे पास नहीं आए हैं रिपॉजिटरी के, तो इसका मतलब है कि या तो कुछ लोगों ने ट्राई किया ही नहीं है, तो क्यों नहीं किया भाई? जी भाइयों, बाकी लोगों का लिंक कहाँ है? अभी करना शुरू कर दें, अगर मिसाल के तौर पे किसी को मौका नहीं मिला था तो अभी बनाना शुरू कर दें। यार इसको साइलेंट करना पड़ेगा।
अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास तो हम आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने भी ये नहीं बनाया था ना, काइंडली बना लीजिएगा, क्योंकि ये गिट हमारे पास थ्रू आउट द कोर्स हमारी जान नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो आप ये अगर नहीं बनाएंगे अपने हाथ से, तो बहुत सारी चीज़ें आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको। तो हम ज़रा अब आगे चलते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। सर आपको गिट पे ऐड करना है तो यूज़र नेम से ऐड होगा गिट पे? मुझे ऐड, मुझे फॉलो करने की शायद आप बात कर रहे हैं, तो वो तो आप जाएंगे जस्ट मेरे वो तो आप जस्ट जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे, तो फॉलो का बटन आ रहा होगा, वो दबा देंगे आप तो फॉलो हो जाएगा। वो तो मैं बाय द वे वैसे ही कह रहा था कि फॉलो करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, आपकी मर्ज़ी है फॉलो करें या ना करें। अच्छा अपनी स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ आप लोगों से। आप अगर मुझे फॉलो कर लेंगे ना गिटहब में, तो उससे बेनिफिट आपका जस्ट ये होगा कि आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई चीज़ पुश करूँगा ना। ओ ये क्या चीज़ खुली हुई है इसमें, अच्छा जी ये मैंने बंद कर दिया। अच्छा ये कल वाली जो रिपॉजिटरी थी ना मेरी, वो मैं वापस से अपने पास लेकर आ जाता हूँ। अच्छा कल वाली जो रिपॉजिटरी थी यानी लास्ट क्लास वाली, वो ये रिपॉजिटरी थी, माई फर्स्ट रिपॉजिटरी, ठीक है। अच्छा इसको मुझे वापस, वैसे तो मेरे कंप्यूटर में था लेकिन शायद मैंने डिलीट कर दी थी वो, तो मैं इसको वापस अपने कंप्यूटर में लाना चाहता हूँ। जो कल वाली फ़ाइल मेरी बनी हुई थी माई फर्स्ट गिटहब कोड, ये वाली चीज़, इसको मुझे वापस अपने कंप्यूटर में ला के मज़ीद एडिटिंग करनी है और फिर वापस इसमें पुश करना है। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद अब मैं आया अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। सीडी डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है जी, डेस्कटॉप पे मैंने ये ओपन किया हुआ है। अच्छा विंडोज़ में ना टर्मिनल ओपन करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा, ठीक है। मेरे पास वैसे विंडोज़ है तो नहीं, लेकिन मैं आपको इमेजेस दिखा सकता हूँ कि आपने कैसे उसको ओपन करना है। देखें आप किसी भी फोल्डर में होंगे ना, ये आप मिसाल के तौर पे आप किसी भी फोल्डर में, तो आपने क्या करना है, ये जो बार है ना ये वाला, ये दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस बार। तो आपने एड्रेस बार में ना यहाँ पे इस जगह पे आपने क्लिक करना है, जो खाली जगह है ना जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आप CMD लिख के जब आप एंटर करेंगे ना, तो उसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप खड़े हुए हैं उस फोल्डर में आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जहाँ पे आपके तमाम फोल्डर्स दिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं या आप डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इस खाली जगह पे आपने राइट क्लिक करना है, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा ओपन गिट बैश हेयर, ठीक है। तो ओपन गिट बैश हेयर करेंगे तो भी उससे टर्मिनल खुल के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं विंडोज़ के अंदर टर्मिनल को ओपन करने के, वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने पास, तो मेरे पास, अच्छा मैक के ऊपर टर्मिनल ओपन करने का तरीका क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। इसमें राइट क्लिक करके ना यहाँ पे नहीं ऑप्शन आता कि भाई ओपन टर्मिनल हेयर या कुछ भी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको यहाँ पे जाना होता है, जो भी आपका जो है ना, वो कैसे आता है वो मेन्यू, हाँ ये रहा, यहाँ पे आपको ना ढूंढना पड़ता है कि टर्मिनल कहाँ पर है, यहाँ कहीं होता है टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, ये तो गुम हो गया। अच्छा मैंने यहाँ से कभी खोला नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पता नहीं है कि किधर है वो। अच्छा यहाँ तो टर्मिनल है ही नहीं। वेल तो दो तरीके हैं टर्मिनल खोलने के, या तो आप वो जाके मेन्यू में तलाश कर लें, या स्पॉटलाइट होता है इसमें कमांड और प्लस स्पेस करके, और यहाँ पे आप TER लिखेंगे ना तो ये टर्मिनल खुल जाएगा। मैक में जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है, लिनक्स में भी टर्मिनल बोला जाता है, तो इसलिए टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट असल में ये एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो मैंने ये टर्मिनल खोल के ओपन कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जब ये खुलेगा तो ये होम की डायरेक्टरी में होता है, ये अलिफ मद्दा जो लिखा हुआ है ना ये होम होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, CD डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ तो मुझे डेस्कटॉप पे लेके चला जाता है। तो ये मैंने आपको, अच्छा लिनक्स में और मैक में बिल्कुल सेम तरीका है,
ठीक है। लिनक्स में भी जब आप टर्मिनल खोलते हैं तो वो होम पे खुलता है, फिर सीडी करके आप डेस्कटॉप में चले जाते हैं। तो विंडोज़ का मैंने आपको बता दिया और लिनक्स और मैक पे भी आपको बता दिया, ताकि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए इसको ओपन करने में, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना था, गिट क्लोन। अब ये आगे की जो कमांड है ना, ये सेम है, गिट क्लोन वाली जो कमांड है ये तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम है। जहाँ पे कोई चीज़ मुख्तलिफ होगी ना, मैं आपको बता दूंगा कि यार ये मुख्तलिफ है विंडोज़ और मैक पे। तो टर्मिनल को ओपन करने का तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन जो कमांड्स हैं सारी आगे जो मैं बताने लगा हूँ वो सब सेम है। तो मैंने कहा गिट स्पेस क्लोन स्पेस और URL मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर भी प्रेस कर दिया यहाँ पर मैंने। तो ये इसको लिखने से क्या हुआ, कमांड को मेरे पास एक एम्प्टी रिपॉजिटरी बन के आ जानी चाहिए डेस्कटॉप पे। कहाँ पर आइए वाला, माई फर्स्ट रेपो के नाम से, अच्छा ये आ गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ये मेरी वो रिपॉजिटरी है, एम्प्टी रिपॉजिटरी जिसमें मैं आ चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसी फोल्डर में दोबारा जाना है मैंने, वापस इस फोल्डर को मैंने वी एस कोड में ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले सी डी लिखूँगा, क्योंकि अभी देखें मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, अभी मैं इस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं हूँ। तो मैंने कहा सी डी स्पेस और एम वाई, यानी अपने फोल्डर का जो नाम था उसके दो कैरेक्टर मैंने लिखे हैं, शुरू किया और टैब का बटन दबा दिया, ताकि वो नाम ऑटो कम्प्लीट हो जाए। ये विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में, तीनों में ये फीचर होता है कि आप दो कैरेक्टर लिख के टैब दबाएंगे, ऑटो कम्प्लीट, फिर एंटर, ठीक हो गया, एंटर कर दिया हमने। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा, ये फोल्डर जिसमें आप अभी खड़े हुए हैं, ये फोल्डर वी एस कोड में खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा शोर हो रहा था तो मुझे ज़रा जाके बताना पड़ा। चले, अच्छा, तो मैंने क्या कमांड लिखी, मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट, तो उससे ये वाला जो फोल्डर था जिसमें मैं मौजूद था वो वी एस कोड में खुल के ओपन हो गया। अच्छा, इसको मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। अब यहाँ पे देखें, माई फाइल डॉट txt करके एक फ़ाइल थी मेरे पास, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ था। अच्छा, अभी तो हमने प्रोग्रामिंग तो नहीं सीखी ना, अभी तो अभी हम टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं फिलहाल। तो इस टेक्स्ट फाइल में मैंने कहा कि सम मोर टेक्स्ट, ठीक है, सेव। अच्छा, और सम मोर टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैंने सेव का बटन दबा दिया, कंट्रोल एस। अच्छा, सेव की पहचान क्या है, ये देखें, ये गोल बना हुआ है ना, गोल सा बबल बना हुआ है, इसका मतलब है ये सेव नहीं है। कंट्रोल एस करूँगा तो जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है गोल बबल, तो इसका मतलब है सेव हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस कोड को वापस गिटहब में पुश करना है। मैंने टर्मिनल खोला, टर्मिनल खोलने का शॉर्टकट क्या है, वी एस कोड के अंदर अगर आपने टर्मिनल खोलना है, इसमें एक फीचर कह लें इसको आप वी एस कोड का, कि वी एस कोड के अंदर रहते हुए आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस बैकटिक प्रेस करना है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो बाहर वाले टर्मिनल पे भी काम कर सकते हैं स्टिल, जैसे ये टर्मिनल है ना बाहर वाला, इस पे भी कर सकता हूँ मैं वो सारा काम, लेकिन इसको अब मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि वी एस कोड के पास अपना टर्मिनल मौजूद है, अंदर मौजूद है इसके। इसको खोलने के भी दो तरीके हैं, नंबर एक ये, यहाँ टर्मिनल पे जाएंगे आप और न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो शॉर्टकट इसके आगे लिखा हुआ है, ये दूसरा तरीका है। तो शॉर्टकट में ना कंट्रोल प्लस बैकटिक इसमें लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस बैकटिक मैं दबा देता हूँ। ये शॉर्टकट सेम है विंडोज़, लिनक्स और मैक पे, तीनों पे सेम है ये शॉर्टकट। अच्छा, बैकटिक का बटन कौन सा होता है आपके कीबोर्ड में, ज़रा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कीबोर्ड में ना कोने पे होता है बिल्कुल, अच्छा ये जो बटन है ना, ये बैकटिक का बटन होता है जिसमें अलिफ मद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो आपने कंट्रोल और प्लस ये बैकटिक, ये दोनों प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस बैकटिक आप प्रेस करेंगे तो इसी से टर्मिनल ओपन भी होता है और इसी से टर्मिनल क्लोज भी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं दोबारा कंट्रोल बैकटिक दबाऊंगा तो ये गायब, फिर दोबारा दबाऊंगा वापस आ जाएगा, फिर दोबारा गायब, ठीक है। तो इससे क्लोज भी कर सकते हैं आप।
अच्छा, जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो ये बंद नहीं होता, ये खुला रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन ये जस्ट टेम्प्रोरीली आपको नज़र नहीं आता फिर। अच्छा, अब इस कोड को जो मैंने अभी अभी कोड लिखा है उसको वापस मैंने कहाँ भेजना है, गिट हब में भेजना है। तो मैं कहूँगा गिट एड डॉट एंटर, गिट कमिट माइनस एम, और मेरा मैं लिखूँगा सेकंड कमिट। सही है, ये मैसेज आपकी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज, ये सेकंड कमिट लिखा है, आप इसकी जगह कोई दूसरा मैसेज भी लिख सकते हैं। एंटर कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने कहा गेट पुश ओरिजिन मेन, एंटर। ठीक है, तो ये सेकंड जो कमांड थी मेरी, ये भी क्या हो चुकी है, ये जो सेकंड जो मैंने कोड लिखा था अभी यहाँ पे सम मोर टेक्स्ट, ये भी गिटहब में पहुँच चुका होगा होपफुली। जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ गया सेकंड कमिट, पहुँच चुकी है वो कमिट यहाँ पे। फाइल को खोल के देखूँगा तो सारी चेंजेस इसमें मौजूद हैं, ये वाली नई चेंजेस भी मौजूद हैं इसमें। अच्छा, तो ये तो हमने गिटहब में ना पब्लिश करना और गिटहब से वापस फाइल को मंगवा के और दोबारा से पब्लिश करना, ये सब हमने अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, ये सब, ये जो अभी मैंने काम करके दिखाया ना अभी तक का, ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और जाहिर है जब आप डेली बेसिस पे ये काम करेंगे, हम डेली कर रहे होंगे ये काम, कि क्लोन करेंगे क्लास से पहले, क्लोन करके यहाँ पे लाएंगे, फिर उसको पुश भी कर रहे होंगे दोबारा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब थोड़ी सी कोडिंग स्टार्ट करनी है हमें, थोड़ी सी कोडिंग स्टार्ट करनी है। और कोडिंग में सबसे पहले हमें चीज़ सीखनी पड़ेगी, वैसे तो हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट से, राइट, हमने जावास्क्रिप्ट से शुरू करना है इस कोर्स को, और HTML CSS वगैरह हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज की क्लास में HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए, सिर्फ इस 2 घंटे में आप थोड़ा सा HTML आपको मैं पढ़ा दूँ, ज़रूरी है वो थोड़ा सा, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट चलती है ना वो HTML के साथ ही चलती है, बगैर HTML के जावास्क्रिप्ट नहीं चल सकती। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। आपने जाके क्रिएट करनी है एक न्यू फाइल इसी फोल्डर में, जिसका नाम रखना है आपने index.html, राइट। अच्छा, इस फाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही नाम होना चाहिए, स्मॉल लेटर से इंडेक्स index.html। इस नाम में आपने थोड़ी सी भी चेंजिंग की ना तो आप गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, वो फिर उस तरह से आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा आप मेरे पास देख रहे हैं ना, आपके पास थोड़ा डिफरेंट आएगा फिर वो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे आके ना इस फाइल के अंदर आके, ये पुरानी फाइल तो मैंने बंद कर दी। अच्छा, इस फाइल में आके आपने लिखना है एक्सक्लेमिनेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमिनेशन मार्क जो आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सजेशन में ना देखेंगे क्या दे रहा है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे एक्सक्लेमिनेशन मार्क और एंटर कर देना है। तो ये एक बेसिक HTML लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। ये बेसिक HTML आपको किसने लिख कर दिया, ये बेसिक HTML आपको VS Code ने लिख कर दिया। ठीक है, अच्छा, VS Code की जगह अगर आप कोई दूसरा एडिटर आपको बहुत पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, VS Code जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है, दैट्स इट। ये VS Code एक टेक्स्ट एडिटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम VS Code क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम Notepad क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, Notepad भी तो होता है, वो भी तो टेक्स्ट एडिटर होता है। क्योंकि Visual Studio Code एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो कोडिंग लिखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है, जैसे कि आपने देखा मैंने शॉर्टकट लिखा भी, ये बेसिक HTML पूरी लिखी भी आ गई आपके सामने। ठीक है, तो VS Code एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो आपको फैसिलिटेट करता है जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कैसे फैसिलिटेट करता है ये पूरे कोर्स में आप वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे। इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, बहुत सारे इसमें स्निपेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत हमें ये दे रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत दे रहा होता है। अच्छा, अब ये क्या है भला, ये जो मैंने आपके सामने बातें लिखी हैं ये क्या लिखी हैं? एक इसमें मैं हेडिंग लगा देता हूँ H1, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। ये मैंने आपके सामने जो लिखा है ये मैंने HTML में एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इस वेबसाइट को पहले रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद हम फिर क्या देखेंगे, इसकी थोड़ी सी कहानी सुनते हैं कि ये कहानी है क्या। अच्छा, इसको चलाने के लिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया यहाँ पर और मैंने कहा कॉपी पाथ। ठीक है, इस फाइल का मैंने कॉपी पाथ कर लिया और जाके मैंने क्या किया, ब्राउज़र में एक नया टैब ओपन किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया।
ये हेलो वर्ल्ड की वेबसाइट एक लिखी हुई आ गई मेरे पास, ठीक है, ये एक छोटी सी वेबसाइट थी जो हेलो वर्ल्ड नाम था जिसका, वो यहाँ पे बनकर आ गई। अच्छा, तो ये तो हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया। अब ज़रा एक एक लाइन को ना इसके हम समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑल दिस, ये है क्या सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं। व्हाट इज़ HTML, सारी कहानी ना नाम में छुपी हुई होती है। तो कौन मुझे ये बताएगा आप लोगों में से कि व्हाट डज इट मीन बाई HTML? व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल सही आपने बताया। ये एब्रीवेशन हो गई इसकी, जो HTML इज एन एब्रीवेशन, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज क्या चीज़ होती है भाई? व्हाट इज अ मार्कअप लैंग्वेज? टैग्स। अच्छा, आप चैट में लिख भी सकते हैं और माइक खोल के भी बता सकते हैं। जो बेसिकली ब्राउजर पर काम कर रहा हूँ। नहीं, एक काम करें जल्दी से, सब लोग मार्कअप सर, जो चीजें मार्क की जाए स्क्रीन पर, मार्कअप लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, करीब करीब पहुंच गई है हानिया ने, बिल्कुल करीब करीब बता दिया है। अच्छा, जल्दी से जरा जरा आप ये मार्कअप को जो है ना जाके गूगल करें कि व्हाट डज इट मीन बाय मार्कअप। अंग्रेजी में मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं? क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप बनाने की लैंग्वेज है, तो मार्कअप क्या होता है भाई, पता होना चाहिए। सर कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है या टेक्स्ट अपीयरेंस से? ये तो आप बताएं गूगल करके। अच्छा, ये जो सवालात मैं पूछता हूँ ना वक्तन फ़वक्तन, मैं आपसे इस तरह के सवालात पूछता रहूँगा, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवालात हैं। इसका माइक अलाओ है प्यारे दोस्त, सब लोगों को माइक, सब लोगों को अलाओ है। मोहम्मद हुसैन, आप किसी भी वक्त अपना माइक ओपन करके आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास माइक में कोई इशू आ रहा है तो ज़रा लिख कर बताएं कि ये सर ये इशू आ रहा है मेरे पास। सर आई थिंक सही जी। और बताएं सिद्रा, आप भी कुछ कह रही थी शायद। अच्छा सिद्रा, आपकी आवाज़ ना बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आपको शायद। ओके, मैं कह रही थी कि मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट इनकोडिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं, www. से स्टार्ट करते हैं, जैसे भी हम गूगल लिखते हैं या कोई और सी वेबसाइट लिखते हैं, तो वो HTML उसके लिए इस्तेमाल। सब लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? मार्कअप, व्हाट इज़ मार्कअप? अभी मैं देखें, अभी जो सिद्रा ने भी बताया, इन्होंने ये बताया कि HTML क्या होता है, HTML की डेफिनेशन लिखा है इन्होंने, मार्कअप लैंग्वेज की लिखा है, लेकिन मैं मार्कअप लैंग्वेज नहीं, मैं सिर्फ मार्कअप पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ मार्कअप, सिर्फ मार्कअप क्या चीज़ होती है। तो कोई और अगर बोलना चाहे तो प्लीज़ बताए, जो ह्यूमन के लिए ईजिली रीडेबल हो। नहीं, ये नहीं है, ईजिली रीडेबल वाला नहीं है। Used to prepare how a website should look. ये तो HTML की बात हो रही है कि HTML decide करता है कि आप वेबसाइट में क्या दिखेगा आपके। Sir, the process or result of correcting text in preparation for printing. हाँ बिल्कुल सही बताया सिद्रा ने, ठीक है, मैं भी जल्दी से लिखता हूँ मार्कअप, देखते हैं क्या आता है मेरे पास मार्कअप। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी शायद, स्क्रीन शेयर 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 शेयर। अच्छा, मार्कअप डेफिनेशन में लिखूंगा ना, तो यहाँ पे क्या आ गया लिखा हुआ, द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट पर गुड कवर, ये हो गया, ये तो कोई दूसरी डेफिनेशन है। अच्छा, ये मार्कअप यानी वो प्रॉफिट वाले मार्कअप की बात कर रहे हैं पहली डेफिनेशन में। दूसरा जो है, द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ करेक्टिंग टेक्स्ट इन प्रिपरेशन और फॉर प्रिंटिंग। अच्छा, तो मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ मार्कअप क्या है। मार्कअप ये है
जो आप लोगों ने वो 9 मैट्रिक वाला जर्नल तैयार किया होगा ना सब लोगों ने, तो वो जो जर्नल होता है उसमें आप ब्लू कलर से एक हेडिंग लगाते हैं ब्लू मार्कर से, फिर उसके नीचे आप एक अंडरलाइन लगा देते हैं। अच्छा, फिर आपने हाईलाइट हाईलाइट कर देते हैं किसी चीज़ को, हाईलाइटर होता है वो येलो कलर का, वो किसी आप जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आपने हाईलाइट कर दिया कि यार बाद में उसको देख लूँगा मैं, ठीक है, डिक्शनरी में आपने कोई वर्ड हाईलाइट कर दिया, या आपने ब्लू कलर से कोई पूरा पैराग्राफ लिखा, ठीक है, फिर उसके नीचे आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, तो बुलेट पॉइंट्स आपने ब्लैक ब्लैक मार्कर से बुलेट्स बनाए, फिर आपने ब्लू पेन से उसके आगे पॉइंट्स लिखे, तो ये वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे होते हैं, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मार्कअप्स, ठीक है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मार्कअप्स। अच्छा, सारे गूगल करके इधर विकिपीडिया भेज रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है तो आप इसमें कोई मसला नहीं है, गूगल बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाँ, शहरयार कह रहे हैं सर ने ही कहा था गूगल करो, हाँ तो मैंने ही कहा था। भाई गूगल इस वक्त गूगल एक स्किल है भाई, दबे अगर आपको अच्छा गूगल करना आता है ना तो ये भी एक स्किल है। पहले ज़माने में लिखा जाता था ना कि भाई स्किल्स क्या है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स होती थी, तो अभी गूगल करना भी स्किल हो चुका है इस दौर में। तो आपको अब आप इस क्लास के दौरान ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे कहूँगा गूगल करें, तो गूगल में आपको उस तरह से वो चीज़ें शायद उस तरह से ना मिल पाएँ, मैं थोड़ा और उसको आसान करके बताऊँगा गूगल से भी ज़्यादा। तो जब मैं बता दूंगा तो फिर आपको वो गूगल की डेफिनेशन ना समझ आना शुरू हो जाएगी, उससे पहले वो आपको समझ में नहीं आएगी, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो गूगल करना इज़ अ स्किल दीज डेज। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि आपने कोई जो जर्नल बनाते हैं ना आप, पूरा जो 9 मैट्रिक का जो जर्नल बन रहा होता है आपका, जो पूरी आप उसके अंदर चीज़ें लिख रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मार्कअप होती हैं, बीच में उसमें डायग्राम्स भी होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इमेजेस भी होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं। इसी तरीके से जैसे हाईलाइट वाली बात हमने जिक्र की कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई डिक्शनरी है उसमें हाईलाइट कर दिया आपने कोई वर्ड, किसी वर्ड पे क्रॉस लगा के उसकी जगह दूसरा करेक्शन कर दी, कुछ ऐसी चीज़ कर दिया आपने, तो ये सारी चीज़ें मार्कअप कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। देखें, जब शुरू शुरू में बना ना इंटरनेट, तो इंटरनेट चलता था टर्मिनल के ऊपर, ये होती नहीं थी स्क्रीन वगैरह ये सब, तो GUI तो बहुत बाद में आया। अच्छा, फिर जब ये विंडोज़ 98 वगैरह बनी ना, विंडोज़ 95 जब ये बनी, तो इसमें आ गया GUI, स्क्रीन वगैरह इसमें मुतारफ़ करवा दी गई। अच्छा, फिर उससे क्या हुआ कि पहले जो बिजनेसेस थे, जो आज से पहले जो बिजनेसेस रन होते थे इंटरनेट के दौर से पहले, तो वो अपने लिए पम्फलेट छापते थे, वेबसाइट का तो उस वक्त नामो निशान नहीं था, वेबसाइट हुआ ही नहीं करती थी उस वक्त, तो उस वक्त जो है वो पम्फलेट छापते थे और पम्फलेट छाप के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अभी भी आज भी आप देखते हैं वो मस्जिद के बाहर पम्फलेट वगैरह बांट रहे होते हैं समटाइम, ठीक है, जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो अभी भी पम्फलेट वगैरह बांट रहे होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो उसका एक अपना इम्पैक्ट है उसका, तो जो लोग अभी भी उस चीज़ पर बिलीव करते हैं वो बांटते हैं पम्फलेट्स। तो फिर जब वेबसाइट्स या इंटरनेट का जब क्या कहते हैं आगाज़ हुआ, तो ये सारे बिजनेसेस जो थे इन्होंने बोला कि यार हमारी ना वेबसाइट होनी चाहिए, हम ये जो पम्फलेट हम बांटते हैं घर में जाके देकर आते हैं, अगर किसी के पास इंटरनेट है तो उसको उसके पास ये सहूलत होनी चाहिए कि वो हमारी दुकान पे आ सके, इंटरनेट पे हमारी एक दुकान होनी चाहिए कि वो एक नाम लिखे मेरी दुकान का और एंटर करे तो यही पम्फलेट उसको इंटरनेट पे नज़र आ जाए। अच्छा, तो ये था वेब 1.0, ठीक है, वेब 1.0 में क्या था कि वही टेम्पलेट वही पम्फलेट जो मस्जिद के बाहर बिकता है उसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपको दिखाया जाता है। अच्छा, तो अब करना क्या था हमें, जो पम्फलेट छपता है, जब सर आपकी वीडियो समटाइम मसला कर रही है बट वॉइस क्लियर है, हाँ अच्छा, मेरे पास से इंटरनेट तो वैसे सही चल रहा है बिल्कुल, ऊपर ना मैंने ये लगाया हुआ है कोने पर, शायद स्क्रीन शेयरिंग मेरे पास चल रही है, उसको बंद कर देता हूँ मैं, बैंडविड्थ थोड़ा ताकि बचे मेरा। अच्छा, तो अब जो पम्फलेट छपा था उसमें एक हेडिंग थी, उसमें एक पैराग्राफ था, उसमें भी अंडरलाइन था, उसमें भी तमाम मार्कअप्स उसके अंदर मौजूद थे, ठीक है, तमाम उसके अंदर मार्कअप्स मौजूद थे। ये मार्कअप बाय द वे जो टर्म निकली है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस से निकली है, जो डेफिनेशन में भी अभी सदरा ने जिक्र किया था ना, जो मैंने भी देखा गूगल पे कि वो अमाउंट ऑफ करेक्शन इन प्रिंटिंग प्रेस की बात हो, तो प्रिंटिंग प्रेस से ये टर्मिनोलॉजी आई है। तो उन्होंने कहा कि यार यही सारे मार्कअप्स ना अब हमें कहाँ पे लगाने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अब लगाने हैं,
तो कंप्यूटर को तो भाई बात समझाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है। तो इन्होंने बोला कि यार एक मार्कअप लैंग्वेज हमें चाहिए जिसमें ये तमाम मार्कअप्स हम लिख दें और वो डिस्प्ले हो जाए, आसान है, ठीक है। अच्छा, तो हमें मार्कअप लैंग्वेज समझ में आ गया कि मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर से बात करने की लैंग्वेज है, कंप्यूटर से आपको आप अपनी बात समझाते हैं, और कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है ये मार्कअप्स बनाए जाते हैं इसके ज़रिए, तो ये मार्कअप लैंग्वेज समझ में आ गया हमें। शेख उबादा कह रहे हैं सर अपनी स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ कर दें। अच्छा प्यारे दोस्त, ये जो थ्री डॉट वाला बटन है ना, जो कॉल कट करने का बटन है, उसके पड़ोस में जो थ्री डॉट है उसको आप प्रेस करेंगे और इसमें आ रहा होता है चेंज लेआउट, तो आप ना चेंज लेआउट करके आप ख़ुद इसको चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आप अपने पास ये चेंज कर सकते हैं कि कौन से बंदे की स्क्रीन बड़ी दिखे कौन सी छोटी दिखे, वो आप अपने पास कर सकते हैं। अच्छा, और पिन भी कर सकते हैं, यहाँ पिन का ऑप्शन आ रहा होता है, किसी की भी बंदे की स्क्रीन को आप चाहें ना पिन करना तो आपके सामने स्क्रीन के आगे अटैच हो जाएगा, वो फिर हटेगा नहीं आपके पास से। अच्छा, अब हाइपर टेक्स्ट क्या चीज़ है भाई, कौन मुझे बताएगा हाइपर टेक्स्ट? मार्कअप लैंग्वेज तो समझ में आ गया, व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट? हाइपर लिंक क्लिकेबल टेक्स्ट, जी सब लोग बताते जाएं जल्दी जल्दी। ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है ये, इसलिए इसका रीज़न ये है कि आपके दरमियान अगर कोई जीनियस बंदा बैठा हुआ है ना, कोई चालाक बंदा, तो उसकी काबिलियत निकल के सामने आए तो इसलिए ये सवाल पूछता हूँ। मतलब जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर पे शो होते हैं तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं? नहीं, वो हाइपर टेक्स्ट का, हाइपर टेक्स्ट का हाइपर तो कहते हैं गुस्से में हो कोई, तो टेक्स्ट क्या गुस्से में? सर जैसे हम डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम हमने वर्ड पैड पे काम करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, फिर वो जब हमें कंप्यूटर को प्रेजेंट करना होता है तो जब हम उस टेक्स्ट की फॉर्म में उसको देते हैं तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। सही, हाइपर मींस जिस पर क्लिक करके दूसरा पेज आ जाए, सही बताया बिल्कुल। अच्छा जी शहरयार, बिल्कुल सही, सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा मैं भी बता देता हूँ मेरा ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है ये जस्ट क्योंकि जाहिर है आप लोगों से आपका ओपिनियन लिया तो मैं भी अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है, जाहिर है मार्कअप जो है वो एट द एंड ऑफ द डे है तो टेक्स्ट, सारा का सारा, चाहे वो हेडिंग हो चाहे पैराग्राफ हो चाहे वो सब का सब टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना या उसको छुएंगे आप तो कुछ होगा, जैसे जो बंदा गुस्से में हो उसको जब आप टच करेंगे तो क्या होता है, क्या करता है वो कुछ करता है, कुछ ना कुछ, या तो आपको पलट के गुस्से से देखेगा या हो सकता है अगर ज़्यादा हाथ पैर का मजाक है तो आपको पलट के थप्पड़ भी मार दे तो जो बंदा गुस्से में होता है ना उसको जब आप अगर छुएंगे ना उसको आप, तो क्या होता है, कुछ होता है, ये नहीं पता क्या होगा, हो सकता है वो बंदा उठ के वहाँ से चला जाए, हो सकता है उठ के आपसे लड़ाई करना शुरू कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे एक सिंपल, जो सिंपल टेक्स्ट है, जो नॉन हाइपर जिसको आप बोलें, जो भी बोलें, जो बगैर हाइपर वाला जो टेक्स्ट है उसको जब आप क्लिक करते हैं टच करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाइपर टेक्स्ट जो होगा ना उसको क्लिक करने से कुछ होगा। अच्छा वो क्या होगा, हो सकता है वो आपको दूसरे पेज पे ले जाए क्लिक करते ही, हो सकता है क्लिक करते ही उस पर वो ऐसे वो जगमग तारा बन जाए, वो जगमगाने लग जाए, ठीक है, तो कुछ होगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये कि जो टेक्स्ट होंगे वो अलाइव होंगे, वो जिंदा होंगे, वो क्या कहते हैं, डेड नहीं होंगे, वो अलाइव होंगे कुछ, ठीक है। टेक्स्ट सारे के सारे टेक्स्ट जो है ना उनमें से किसी को भी आप टच करेंगे तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा आपके पास, कुछ ना कुछ हरकत हो रही होगी, कुछ अलाइव कुछ हो रहा होगा। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं वापस मेरी स्क्रीन शेयर करके ना, तो मैंने जैसा कि बताया कि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप से क्या होता है, हेडिंग पैराग्राफ ये चीज़ें बनती हैं इससे। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना उसमें जब आप किसी चीज़ को टेक्स्ट लिखते हैं और आप उसको H1 बना देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो वो भी असल में मार्कअप्स ही चल रहे होते हैं उसके पीछे भी ना, यही HTML ही काइंड ऑफ चल रही होती है उसके पीछे। अच्छा तो मैंने आपके सामने ना एक अदद मार्कअप यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
एक मार्कअप मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, ये मार्कअप क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये मार्कअप हटा दूँ इसके सराउंडिंग से, ये मार्कअप हटा दूँ, ठीक है, तो ये एक सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल टेक्स्ट है, ज़रा चला के देखते हैं ये सिंपल टेक्स्ट दिखने में कैसा है। ये सिंपल टेक्स्ट दिखने में ऐसा है। अब मैं ये मार्कअप वापस लगा देता हूँ जो मैंने अभी हटाया है इसके सराउंडिंग से। मार्कअप लगाने के बाद जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये हेडिंग वन के तौर पर नज़र आ गया, ठीक है। तो ये एक मार्कअप मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, एक मार्कअप मैं और लिख देता हूँ आपके सामने, दैट इज़ बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। अब बोल्ड का टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखा देता है। तो ये दूसरा मार्कअप मैंने आपको सिखा दिया एक, ठीक है। देखिए टेक्स्ट का साइज़ वही है, छोटा साइज़ है, बड़ा नहीं हुआ, हेडिंग नहीं बनाई है, लेकिन बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और मार्कअप है इटैलिक, ये आप देखें इटैलिक बन के आ गया, ठीक है। इसी तरह एक मार्कअप है अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन है। अच्छा, एक से ज़्यादा मार्कअप भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा कि इटैलिक भी हो जाओ और उसके अंदर बोल्ड भी हो जाओ, और मैंने कहा आई एम इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, दोनों चीज़ मैंने लगा दी इसमें। ओ सॉरी, इटैलिक और बोल्ड लगा दिया मैंने। अच्छा चलो, अंडरलाइन भी लगा देते हैं, यू भी लगा देते हैं इसमें, तीनों चीज़ लगा दी मैंने इसमें। ठीक है, इटैलिक भी लगा दिया, बोल्ड भी लगा दिया, अंडरलाइन भी लगा दिया, तीनों टेक्स्ट, तीनों मार्कअप लगा दिए मैंने एक ही टेक्स्ट के ऊपर। जी सिद्रा, क्या सवाल पूछा आपने? सर, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हाँ, लाइन अगर आपको चेंज करनी हो तो उसके लिए है बी आर का एक हमारे पास मार्कअप है, ठीक है, ये बी आर का मार्कअप है, इससे लाइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक एच आर का मार्कअप है, ठीक है। एच आर के मार्कअप से क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ जाती है, ना सिर्फ ये लाइन को ब्रेक करता है बल्कि एक लकीर भी खींच देता है लाइन ब्रेक करने के साथ साथ, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे लाइन ब्रेक की और लकीर भी खींच दी है। अच्छा, तो मैंने कितने मार्कअप आपको बता दिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो टोटल छः मार्कअप मैंने आपको सिखा दिया। ये सब लोगों को समझ आया जो मैंने अभी तक बात बताई है? जी सर, क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, तो अब पता ये चला कि HTML अगर आपको सीखनी है तो मार्कअप्स आपको पता होने चाहिए सारे, जितने मार्कअप्स आपके HTML में अवेलेबल हैं वो मार्कअप्स आपको पता हों अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे HTML आती है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने कुछ तो दो चार तो मैंने आपको बता दिए, तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए मार्कअप्स की, जहाँ पे तमाम HTML के एलिमेंट की एक लिस्ट बना के आपको मिल जाए। तो चलते हैं ज़रा, हम कहीं तलाश करते हैं इंटरनेट पे, लिस्ट ऑफ ऑल HTML ये वाला नहीं है। No. हाँ जी, ये वो लिस्ट आ गई हमारे पास जिसमें तमाम HTML के जितने भी मार्कअप्स हैं उनकी ये लिस्ट है, ठीक है। इसका लिस्ट का ना ये मैं लगा भी देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको ये लिंक अटैच कर दिया, ये कोड मैं पुश करूंगा क्योंकि गिटहब में, ये लिंक मैंने यहाँ पे भी अटैच कर दिया, ये लिंक मैं आपको भी दे भी देता हूँ अभी हाथ के हाथ।
अच्छा, ये मैंने चैट में पेस्ट भी कर दिया लिंक, ठीक है। हाँ, शेख उबादा ने पूछा है सवाल कि सर ये बी आर और एच आर क्लोज नहीं होता। ये बी आर और एच आर ना, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको इस लिस्ट में भी लिखा हुआ होगा, कुछ ऐसे टैग्स होंगे जो जिस पे जिक्र होगा कि ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। जैसे ये देखें, बी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है बोल्ड, तो ये तो क्लोज होगा। लेकिन बी आर जो है ना, ये देखें, ये बी आर जो है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा कि ये जो है ना सेल्फ क्लोजिंग है। द बी आर एच टी एम एल एलिमेंट इज प्रोड्यूस बाई दिस 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 दिस। अच्छा, इस लिस्ट की अच्छी बात बाई द वे ये है कि इस बी आर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये इसको ट्राई इट पे भी लेकर चला जाएगा। मतलब इसकी एग्जाम्पल पूरी बना के आपको दिखा देगा कि भाई इस तरह से ये चलता है। तो जहाँ पे आप देखें बी आर लिख कर बताया ना, तो ये कैसे लिखा जाएगा, किस टैग को, वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हम कोई और देखते हैं टैग। जैसे हमारे पास एल आई का टैग मौजूद है, ठीक है, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम क्या करता है, द एल आई एच टी एम एल एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट और मार्कअप ना एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। यहाँ पे ना इन्होंने मार्कअप नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एच टी एम एल एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का मतलब मार्कअप ही होता है, ठीक है, कोई इसका मतलब कन्फ्यूज़ ना हो जाए कोई। इसने कहा कि एल आई एलिमेंट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लिस्ट आइटम इन अ लिस्ट। आपको कभी लिस्ट बनानी पड़े ना, तो आपको एल आई से बनानी पड़ती है। तो ज़रा इस पर क्लिक करके देखते हैं अंदर चलता कैसे है ये। तो जी देखें, ये इस तरह करके लिखा जाएगा, पहले यू एल होगा और फिर एल आई होगा, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह का बना हुआ नज़र आएगा। तो हम एक काम करते हैं, ले आते हैं अपने पास उठा के उसको। ये पूरा कोड मैंने कॉपी किया अपने पास से, यहाँ पर से, और मैंने यहाँ लास्ट में आके उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, यू एल और एल आई सारा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब जाके जब मैं देखूँगा ना यहाँ पर, तो देखें ये पूरी लिस्ट उसी तरह से मेरे पास प्रिंट होके आ गई है। अच्छा, तो एच टी एम एल सीख गए हम। एच टी एम एल में और तो कुछ नहीं बचा, या बचा हुआ है कुछ अभी भी? कोई सवाल किसी का? नहीं, ये हमारी एच टी एम एल ना पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई आज, ठीक है। अच्छा, जब एच टी एम एल पूरी कंप्लीट हो गई है, तो कोई ना कोई असाइनमेंट भी फिर होना चाहिए। सही। अच्छा, तो आप सबका असाइनमेंट ये है कि आपको एच टी एम एल लैंग्वेज में अपनी सी वी बनाकर गिट हब में पुश करनी है। बन जाएगा सब लोगों से? हाँ सर, हो जाएगा। अच्छा देखो, सीवी में क्या क्या होता है, हेडिंग्स होती सर, हैं। रिपीट करिएगा प्लीज। ये जो मैंने बनाया ना, थोड़ा सा एचटीएमएल लिखा है, आपको सीवी बनानी है अपनी। सीवी होता है ना, रिज्यूमे जो होता है, वो आपको बनाना है एचटीएमएल पे, इन्हीं मार्कअप्स को इस्तेमाल करते हुए। तो सीवी में क्या होता है भाई, हेडिंग्स होती हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो हमने ये देखो लगाकर देख लिए बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ से पी से पैराग्राफ होता है। तो आपको जो जो मार्कअप ज़रूरत पड़ेगी, जिस मार्कअप की अपने सीवी के लिए, जाहिर है सब लोगों के पास सीवी बनी हुई होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या पीडीएफ में। जैसे मैं एक सीवी ओपन कर लेता हूँ मैं, कोई सिंपल सी मैं सीवी बोल रहा हूँ यहाँ से। सीवी सीरी जाग रही है। अच्छा, हाँ सीवी, और मैं गया इमेजेस पे, और मैंने यहाँ पे से एक सिंपल सी एक सीवी ओपन कर ली। ठीक है, ये एक सिंपल सी मैंने सीवी यहाँ पे ओपन कर ली। अब इसमें आप देखें क्या चाहिए आपको, आपको एक चाहिए बड़ी सी हेडिंग, उसके नीचे छोटा छोटा टेक्स्ट चाहिए आपको, फिर उसके बाद एक चाहिए थोड़ी छोटी हेडिंग, सही है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ, फिर छोटी हेडिंग, फिर पैराग्राफ। अच्छा, हेडिंग ना छः होती है, एच वन से लेके एच सिक्स तक होती है, छः हेडिंग होती है इसमें। जैसे मैंने ये एच वन लिखा है ना, तो मैं एच टू एच थ्री एच फोर ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। एच सिक्स हेडिंग ना एच वन से लेके एच सिक्स तक होती है पूरी। सर, आपने बोथ लाइंस को सिलेक्ट कैसे किया, कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया आपने? मैं बता देता हूँ, देखो ये छः हेडिंग आ गई, तो हेडिंग छः की छः आपके पास है, जो सी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कैसे किया कि मैंने मैंने कैसे ये किया था अभी। अच्छा, मैंने पहले सेलेक्ट किया था, जैसे ये हेलो है ना,
इसको मैंने सेलेक्ट किया, पहले डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया हेलो को, अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ना जब, तो जितने भी हेलो हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हेलो को मिसाल के तौर पर मुझे क्या करना है, अगर मुझे ऐसे करना है, ठीक है, फ्रेंच में ओला ऐसे बोलते हैं ओला, तो मुझे फ्रेंच में अगर करना है सारे हेलो को चेंज करना है, तो मैंने कंट्रोल डी दबा के ना ये सबको सेलेक्ट करके एक साथ मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या मुझे पूरा अगर चेंज करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, चाओ करना है, ठीक है, तो ऐसे करके मैं कर सकता हूँ, और कंट्रोल जेड दबा के मैं इसको वापस ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और हमें क्या चाहिए होता है सीवी बनाने के लिए, बुलेट पॉइंट्स, वो तो मैंने पहले ही बता दिए, और क्या चाहिए होता है भाई, बैक करते हैं इसको, हमें चाहिए होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल, ओएल इस तरह से चलता है, ठीक है। ओएल में क्या होता है, लिस्ट होती है, पिक्चर कैसे ऐड करेंगे सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, पिक्चर के लिए होता है आईएमजी, सही है, हम कंट्रोल एफ करके मैंने इमेज लिखा ना, आईएमजी लिख देता हूँ, तो देखो आईएमजी पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आईएमजी, अब आईएमजी को मैं क्लिक करके देख लेता हूँ चलता है कैसे आईएमजी, ठीक है, आईएमजी ऐसे चलता है, कॉपी किया मैंने इसको, कॉपी करके अपने पास ले आता हूँ, अपने पास लाया, हेडिंग के नीचे मैंने ये आईएमजी पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस आईएमजी में देखो तीन चीज़ें हैं, अच्छा, एक है क्लास, क्लास को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, सही है, ये है सोर्स कि भाई इसमें इमेज दिखानी कौन सी वाली है, एसआरसी, ठीक है, एसआरसी में ये लिखा होता है कि इमेज दिखानी कौन सी है, और ए है, एक है एएलटी, अल्टरनेट, अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, अगर किसी वजह से इमेज लोड ना हो पाए एचटीएमएल के पेज पे, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो। अच्छा, ये जो इमेज है ये मैं हटा के ना अपनी इमेज लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गूगल पे जाके पहले तो एक इमेज डाउनलोड करूँगा, मैंने कहा कि भाई हेड शॉट फ़ोटो, फोटोग्राफी स्क्वायर, हेड शॉट फोटोग्राफी का मतलब होता है कि वो आप बल्कि देख के खुद ही समझ जाएंगे, ये हेड शॉट फोटोग्राफी कहलाता है, सर होते हैं जिसके अंदर सर तो मैंने क्या किया, मैंने ये सबसे पहली इमेज जो आ रही थी ना मेरे पास, राइट क्लिक, यार ये क्या हुआ, इतनी घटिया क्वालिटी में क्यों खुल रही है, कोई थोड़ी ढंग की क्वालिटी वाली ले लेते हैं, हाँ काफ़ी बेहतर है ये। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इस इमेज को कर दिया सेव, कैसे सेव होगा ये, सेव इमेज, सेव इमेज एज, अच्छा मैंने कहा डेस्कटॉप पे ना मेरे सेव कर दो इस इमेज को, देखते हैं जाके डेस्कटॉप पे गई कि नहीं गई, ये डेस्कटॉप पे आ गई ना इमेज। अच्छा, इस इमेज को का नाम मैंने जो इस इमेज को मैंने कहाँ रखना है, इस इमेज को मैंने एग्जैक्टली वहीं पे रखना है जहाँ पे मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है, राइट, ये देखो इंडेक्स की फ़ाइल के साथ मैंने लाके पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इंडेक्स की फ़ाइल के साथ लाके पेस्ट किया ना, देखो यहाँ नीचे शो हो गई इमेज ये। अच्छा, पहले तो मैं इसका नाम चेंज करूँगा, राइट क्लिक करके रीनेम, क्योंकि नेम इसका ना बहुत मुश्किल है, मैं कहूँगा प्रोफाइल डॉट जेपैग, ठीक है, नाम मैंने इसका चेंज कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये जो एसआरसी है ना, यहाँ पे मैंने लिखना है डॉट स्लैश, तो ये ऑटोमेटिक देखो मुझे शो कर देगा प्रोफाइल डॉट जेपैग, एंटर, दैट्स इट, ये आपकी इमेज लग गई। अब जाके देखते हैं स्क्रीन पर इमेज कैसी शो हो रही है, स्क्रीन पर जो इमेज शो हो रही है वो ऐसी शो हो रही है, ठीक है, और ये इमेज इतनी बड़ी मुझे नहीं दिखानी है, ये बहुत बड़ी इमेज शो हो गई है इसके अंदर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे ना नीचे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे ना, ये लिखा हुआ होगा, तो इसका मुझे साइज़ चेंज करना होगा, क्या चेंज करना होगा, विड्थ और हाइट इसकी मुझे चेंज करनी होगी, ठीक है, तो मैं विड्थ इसकी चेंज कर देता हूँ आके, मैंने कहा विड्थ आपकी हो जाए 200 पिक्सल, मुझे 200 पिक्सल की इमेज चाहिए, ठीक है, इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है, मुझे 200 पिक्सल की इमेज चाहिए, तो ये 200 पिक्सल की इमेज बन के तैयार हो गई। सीवी पे आमतौर पे इतनी बड़ी पिक्चर आती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर नहीं आती सीवी के ऊपर, ठीक है, और मैं छोटा करना चाहूँ, मैं और भी इसको छोटा कर सकता हूँ, जितना मैं साइज़ दूंगा उतना मैं इसको छोटा कर सकता हूँ,
ठीक है, ये सारी तरह की इमेजेस लगा सकते हैं आप, चाहे वो जिफ इमेज हो, चाहे वो जेपेग हो, चाहे वो पीएनजी इमेज हो, एसवीजी इमेज हो, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के, ये सारे सपोर्टेड हैं इसके अंदर। सर इन इसको इमेज को मूव कैसे करेंगे? इमेज को मूव कहाँ करना है? ये वो कौन एक टॉप कॉर्नर पे होती है ना, भी ये सेंटर है ये राइट। अच्छा पहली बात तो ये केसेस के थ्रू भी होता है, ये जो इमेज है ना और ये जो पाकिस्तान है ये सेम लाइन पे लिखा हुआ रहा है एक्चुअली अभी, ठीक है। तो मुझे अगर उसको लाइन को चेंज करना है, बीच में मैं एक बीआर लगा दूंगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही हो गया। अभी इसमें और मूव करना है क्या इसको? मार्जिन से भी कर सकते हैं सर। नहीं, इसको अभी मूव कहाँ पे करना है, जो सवाल पूछ रहे थे दोस्त वो पूछे ना प्लीज़। सर बेसिकली सर सेंटर में या राइट में सर, यानी किसकी जगह हम चेंज कर लें सर? सर ये टॉप राइट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली सीलिंग वहाँ पर होती है। अच्छा नहीं, ओरिजिनली क्वेश्चन किसने पूछा था वो जरा अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें ना। जी सर यही था, जो कॉर्नर पे होती है ना सीवी के कॉर्नर में टॉप राइट। अच्छा यानी मतलब ये हेलो वर्ल्ड से भी ऊपर आपको अगर इमेज चाहिए तो इस इमेज को मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से उठा के मैं इसको कट करूँगा यहाँ से और मैं हेलो वर्ल्ड से पहले ले जाके पेस्ट कर दूँगा, तो ये पहले चली गई, ये ऊपर चली गई। अच्छा अब आप कह रहे हैं राइट पर भी आपको चाहिए, अगर राइट पर लेकर आना है इमेज को, या ये अभी ठीक हो गई है इतनी? जी सर राइट पे लेकर जाना। अच्छा ये जो इमेज को अब राइट पे लेके जाना है ना, स्क्रीन के राइट पे, स्क्रीन के लेफ्ट पे, ये हम HTML के ज़रिए नहीं कर सकते इस, ये दैट इज़ कॉल्ड स्टाइलिंग, ठीक है। HTML से सिर्फ मार्कअप क्रिएट हो सकते हैं, वो मार्कअप यहाँ पे क्रिएट हमने करके देख लिए, HTML का इतना ही काम है, HTML इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा स्टाइलिंग के लिए एक डेडिकेटेड लैंग्वेज है, दैट इज़ कॉल्ड CSS, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड CSS। तो मेरा ख्याल है कि शायद आज तो हम CSS को नहीं देखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिर हो जाएगा अभी के लिए। तो अभी के लिए आपको, अगर किसी को CSS पहले से आती है जस्ट इन केस, तो वो प्लीज़ अपनी CV में CSS भी अप्लाई करें, ठीक है, CSS भी अप्लाई करके वो देखें। अच्छा और अगर किसी को CSS नहीं आती है पहले से, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों को CSS नहीं आती होगी पहले से, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ भी पहले से आता हो। तो अभी फ़िलहाल जो आप CV बनाएंगे वो आप सिर्फ HTML में बना सकते हैं, आपको कोई CSS करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑफ़ कोर्स जब अगली क्लास में आप आएंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे कि सर हम अपनी CV में ये काम करना चाहते हैं, ये HTML से नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ी सी CSS भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिससे आपके वो वाले सवालात सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगला काम क्या करना है, ये CV जैसे ही आपकी तैयार, ये मैंने छोटी सी CV काइंड ऑफ बना ली है, सही है, आपको ज़रा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे आप, क्योंकि देखो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो ना, आप पेपर पे किसी को CV देते हुए अच्छे नहीं लगोगे, आपकी जो CV है, आपका जो रिज्यूमे है, वो एक वेबसाइट की सूरत में होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी एक वेबसाइट की सूरत में होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कह रहे हैं और फिर आप पेपर पे CV दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो अब ये CV जब आपकी तैयार हो चुकी है तो आपने क्या करना है, इसको वापस GitHub में पुश करना है, ठीक है। इसको वापस जब आप GitHub में पुश करेंगे तो वो कैसे करेंगे, आप दोबारा टर्मिनल आपने खोला, ठीक है, कमांड क्या चलानी है, git add dot, ठीक हो गया, उसके बाद git commit -m और my CV, ठीक है, ये मेरा मैसेज है, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, my CV लिख दिया मैंने। उसके बाद git push origin main, enter, ठीक हो गया, git push origin main। तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा कोड GitHub में पहुंच चुका होगा, होपफुली, जाके चेक करते हैं कि वाकई पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। रिफ़्रेश किया मैंने यहाँ पे, रिफ़्रेश जैसे ही मैंने किया तो आप देखें index.html की फ़ाइल यहाँ पर शो हो गई है और वो profile.jpg फाइल भी यहाँ पर शो हो गई है। अच्छा अब ये तो वेबसाइट है ना मेरी, इसको मैं खोल के कैसे देखूँ? अगर एक तो तरीका ये है कि इसको मैं क्लोन करूँ, क्लोन करके अपने PC में लाऊं फिर रन करूं,
ठीक है, जो इस तरह करके रन होगा। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका भी है और ये आप सब लोगों को करना है, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये आप सब लोगों को करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बहुत गौर से प्लीज़ देखिएगा इसको। आपने क्या करना है, आपने जाना है ये सेटिंग्स में, ठीक है। अच्छा, एक तो है प्रोफाइल की सेटिंग आपकी, अकाउंट सेटिंग, वो इधर है, यहाँ नहीं जाना है, इस वाली सेटिंग में जाना है। ये है रिपोजिटरी की सेटिंग, ठीक है, ये आपकी रिपोजिटरी। इस सेटिंग के अंदर जैसे ही आप गए और आप यहाँ जाएंगे पेजेस में, ये देख रहे हैं पेजेस में एंटर किया आपने, और पेजेस में जाने के बाद ये जो ब्रांच लिखा हुआ है ना नन, इसको सेलेक्ट करना है आपने, और इसमें मेन सेलेक्ट करके और सेव का बटन दबा देना है, दैट्स इट। जैसे ही आप ये काम करेंगे थोड़ी देर में आपको ये आपकी वेबसाइट का ना URL बना के दे देगा, ठीक है, और एक ऐसा URL दे देगा जो पूरी दुनिया में कोई भी उस URL पे क्लिक करे तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप सब लोगों की जो CV है ना, जो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे जमा करवाएंगे, वो आपने ऐसी ऐसा एक लिंक बना के मुझे भेजना है कि मैं क्लिक करूँ और आपकी CV मेरे सामने खुल कर आ जाए, सामने फॉरन, ठीक है। अच्छा, ये सेव का बटन दबाने के बाद ना 2 से 4 मिनट मुझे वेट करना होता है और फिर मुझे इस पेज को रिफ्रेश करना होता है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक्शंस में जाके देख भी सकता हूँ कि जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँची है। मैं एक्शंस में गया, एक्शंस में जाके ना ये देखें आप, ये अभी ब्राउन हुआ हुआ है, ये जैसे ही ग्रीन होएगा ना, ये अभी चलना शुरू हो गया है, इन प्रोग्रेस हो गया है। ये जैसे ही ग्रीन हो जाएगा ना, टिक लग जाएगा ग्रीन, तो बस इसका मतलब है मेरा URL, हाँ देखें अब URL मेरा जनरेट। मैं वापस जाऊँगा सेटिंग में, मैं वापस जाऊँगा पेजेस में, तो यहाँ पे देखें मेरा URL बन के आ चुका है। इस URL को मैंने क्या करना है, इस URL को मैंने विजिट साइट का बटन दबाना है। ये आप देखें वही वेबसाइट बन के मेरे पास आ गई है। ये वेबसाइट आप सब लोग विजिट कर सकते हैं अभी राइट नाउ, मैं आपको ये चैट में लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा हो गया, आसान हो गया बिल्कुल। हमने आज की क्लास में एक असली वेबसाइट बना ली है, ठीक है। असली वेबसाइट कौन सी होती है, जो विजिट हो पाए, जो इंटरनेट पे मौजूद हो, जिसका एक URL हो। वैसे तो वेबसाइट बना के आप अपने फोल्डर में सेव करके रखें, दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ नॉट अ वेबसाइट। वेबसाइट तो वो होती है जो इंटरनेट पे नज़र आए। तो ये एक असली वेबसाइट हमने बना ली है जो इंटरनेट पे मौजूद है। आप सब लोगों को मैंने लिंक भेजा है, आप उस पर क्लिक करें, वो आप उसको देख पाएंगे, उस वेबसाइट को। अच्छा, अब ये लिंक का मैंने करना क्या है, इस लिंक को मैंने कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ आना है, अपनी रिपोजिटरी के मेन पेज पे आके, यहाँ पे आके, क्योंकि देखो वो तो लिंक आपको दिख रहा है ना, ये सेटिंग का बटन सिर्फ आपको दिखेगा, सही है, आपकी रिपोजिटरी आपको दिखेगा सेटिंग, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, रिपोजिटरी तो पब्लिक है। अच्छा, बाय द वे रिपोजिटरी पब्लिक होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो पेजेस का आपके पास ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। अगर रिपोजिटरी आपने प्राइवेट कर दी ना, प्राइवेट नहीं करनी आपने, तो प्राइवेट करेंगे तो फिर ये पेजेस का ऑप्शन ही शो नहीं होगा आपके पास, ठीक है, मसला करेगा वो प्राइवेट में। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये अबाउट लिखा हुआ है छोटा सा, इस अबाउट की ये सेटिंग है छोटी सी, इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट, यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया लिंक आपने, और पेस्ट करके इसको सेव चेंजेस का बटन दबा दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे जब भी कोई आपकी रिपोजिटरी को खोल कर देखेगा तो आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप सब लोग मेरी ये रिपोजिटरी ओपन करें अभी, ज़रा आप देखें, वो लिंक आपको साइट पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी आपकी रिपोजिटरी जब ओपन करेगा तो ये छोटा सा लिंक आपका साइट पे दिख रहा होगा कि ये है वो लिंक जिस पे क्लिक करके इस वेबसाइट को देखा जा सकता है, जिसका कोड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आप सब लोगों को एक अदद CV बनानी है, जैसे मैंने ये बनाया ना, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है CV, और CV बना के उसको GitHub में पुश करना है और GitHub पेजेस पे उसको होस्ट करना है। ये हमने होस्टिंग की है, जब किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे जब लाइव करते हैं ना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड होस्टिंग। तो हमने आज होस्टिंग भी सीख ली है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, इससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ ले, अदरवाइज़ आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास ख़त्म नहीं हो रही है ये, आप सब लोग अभी ये बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सब लोग अपनी स्क्रीन शुरू कर शेयर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई हमने काफ़ी कर ली है। हम क्या करेंगे इस क्लास में, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, जब भी आपको कोई बेनिफिट होगा, वरना तो ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने अभी आज करवाया ना काम, अगर ये सब लोग करके नहीं लाएंगे तो मैं आगे पढ़ाऊँगा भी नहीं, फिर मैं आप लोगों से फिर उस क्लास में कहूँगा कि अभी करें आप ये, जब आप सब लोग करेंगे जब ही मैं फिर आगे की चीज़ पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाना मकसद नहीं है,
मकसद ये कि आप कुछ सीख कर जाएं यहाँ से, ठीक है? और जब आप कुछ सीख जाएंगे तो जब ही आपको जॉब्स मिलेंगी, जब ही आप वैल्यूएबल होंगे। अगर आपने डिग्रीज आपके पास हैं, आपको हाथ से कोई काम नहीं करना आ रहा, डिग्री आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि यार ये डिग्री मेरे पास मौजूद है, उस डिग्री का लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर खुदा ना खास्ता उसने गलती से उसने हायर भी कर लिया आपको, तो थोड़े दिनों में वो आपके आगे हाथ जोड़ देगा कि भाई आप प्लीज़ कहीं और देख लें अपनी जॉब, आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है? तो आपको अगर गलती से जॉब रख भी दी किसी ने डिग्री के बेस पे, तो वो या तो आपको बहुत ही कम सैलरी देगा, ये आपको मतलब छोटू की तरह ट्रीट करेगा फिर कल को, या तो आपसे वो कहेगा कि यार आपसे काम नहीं हो रहा, आप छोड़ दें, आपकी जगह किसी और को रख रहा हूँ, ठीक है? किसी को भी फायर, जॉब से निकालना तो कोई इशू थोड़ी है किसी के लिए, सेठ के लिए कोई मसला है आपको जॉब से बाहर करना, तो वो आपको ख़त्म कर देगा आपकी जॉब। आप दूसरी जगह जाएंगे वहाँ पे भी यही होगा, तीसरी जगह जाएंगे वहाँ पे भी यही होगा, सूनर और लेटर आपके साथ ये होगा अगर आपको हाथ से काम नहीं करना आता है तो। अगर आपको हाथ से काम करना आता है, डिग्री डजेंट मैटर, डिग्री ना भी हो ना आपके पास तो भी आपको लोग बुलाएंगे कि यार आप आ जाएं प्लीज़। अच्छा, तो जल्दी से ना सब लोग अभी क्लास के दौरान ही ये बनाना शुरू कर दें, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, ठीक है? चलिए जी।